बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम देखेंगे कि मैश एनालिसिस करते हुए अगर कोई करंट सोर्स आ जाए तो उसको कैसे डील करते हैं। मैश एनालिसिस विद करंट सोर्स, हम एक इसके दो केसेस लेते हैं। एक पहले सिंपल केस क्या है कि वन करंट सोर्स एग्जिस्ट ओनली इन वन मैश, यानी करंट सोर्स सिर्फ एक मैश में आ रहा हो, वो दो मैश के दरमियान शेयर ना हो रहा हो, तो एक सिंपलेस्ट केस है। इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, हम मैशेज इस तरीके से लेते हैं। सपोज़ फॉर एग्जांपल अभी हम काउंटर क्लॉकवाइज मैशेज लेते हैं, इसको मैं आई वन और इसको मैं आई टू कहता हूँ। सो जो करंट सोर्स जिस मैश के साथ आ रहा है उसको वो असाइन कर देते हैं, और हम ये कहते हैं कि आई टू इज़ इक्वल टू 5 एम्पियर। सो मैश करंट आई टू जो हमने एज्यूम किया काउंटर क्लॉकवाइज, उस सोर्स की वैल्यू इसको असाइन कर दी जाती है। इस तरीके से हमारी कैलकुलेशन सिंप्लीफाई हो जाती हैं। सो आई टू इज़ इक्वल टू 5 एम्पियर, यानी आई टू की भी वही डायरेक्शन है जो 5 एम्पियर्स करंट की है, इसलिए आई टू इज़ इक्वल टू 5। अगर हम ये मैशेज क्लॉकवाइज कंसिडर कर दें, क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, तो दिस इज़ फॉर काउंटर क्लॉकवाइज, राइट। अगर मैं क्लॉकवाइज कंसिडर करता, सो आई टू को मैं कैसे लिखता, आई टू क्लॉक वाइज डायरेक्शन में होता, और आई टू की वैल्यू होती -5 एम्पियर, जो ऐसा के नहीं है। सो हमारे केस में आई टू इज इक्वल टू 5 एम्पियर, राइट। और आई वन की वैल्यू क्या होगी, यानी इसको अगर हम मैश वन के लिए अगर हम KVL अप्लाई करें, सो दिस इज इक्वल टू 10, वी आर कमिंग फ्रॉम टॉप, 10 प्लस 6 I1 माइनस I2, बिकॉज I1 ऊपर की तरफ जा रहा है और I2 नीचे की तरफ आ रहा है, +4 I1 इज इक्वल टू 0, 6 I1 plus 4 4 I1 minus 6 I2 इज इक्वल टू -10, और 10 I1 minus 6, वी ऑलरेडी नो द वैल्यू ऑफ I2 एंड I2 इज इक्वल टू 5, सो दिस इज -10, सो 10 I1 इज इक्वल टू -10, -30 इधर जाके +30 हो जाएगा, सो 20 by 10 इज द वैल्यू ऑफ I1 एंड I1 इज एक्चुअली इक्वल टू 2 एम्पियर्स। सो I2 5 एम्पियर और I1 2 एम्पियर्स। सो इस तरीके से अगर किसी लूप के साथ करंट सोर्स आ रहा हो तो उसकी वैल्यू हम उस लूप या मैश को असाइन कर देते हैं और दूसरे के लिए KVL लगाकर वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो इस तरीके से हमारी सिंपली कैलकुलेशन सिंप्लीफाई हो जाती है।